कैसी हो यार यूवी? कितने साल हो गए ना अपने बीच के कंपटीशन में। कंपटीशन? हाँ, पता है ना, जब मैंने साइंस ली तूने भी ली, जब मैंने साइंस छोड़ दी फिर तूने भी छोड़ दी, मैंने अपनी मास कम्युनिकेशन में अपनी गर्लफ्रेंड बनाई, तूने भी बना ली। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने प्रिया को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैंने नेहा को छोड़ा है? क्या बकवास कर रहा है यार तू। कम ऑन ब्रो यार, एडमिट तो कर। जैसे ही तुझे पता चला ना कि मैं राम कुमारी कजन सोनालिका से शादी कर रहा हूँ, तूने उसी के लेवल की उसकी पार्टनर अलेखा उसके साथ अपना चक्कर चालू कर दिया। अलेखा भाई मुझसे बहुत टाइम से प्यार करती है यार। पर अलेखा नहीं, उसके पैसों से प्यार करता है, और तूने प्रिया को लास्ट मोमेंट में डिच कर दिया। तो तूने भी तो नेहा के साथ सेम टू सेम किया ना। फर्क है ब्रो, मैं उसके साथ से बस 6 महीने रिलेशनशिप में था, और मैं सिर्फ उसको डेट कर रहा था, हमारा कोई शादी करने का प्लान नहीं था। और तुम लोग तो 6 साल से रिलेशनशिप में थे ना, सबको पता था कि तुम लोग शादी करने वाले हो। हम मैं मानता हूँ कि मैंने नेहा का दिल तोड़ा, पर तुमने तो प्रिया का विश्वास तोड़ा यार। राम कपूर से तो फिर भी हार सकता था, इसलिए तूने आलिका का प्रपोजल उस समय एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी 6 साल की गर्लफ्रेंड को तब नहीं छोड़ा। जैसे ही तुझे पता चला ना कि मेरे को तो अमीर लड़की मिल गई है, वो भी सोनालिका, राम कपूर की कजन, तुझे लगा इसके पास पैसे आ जाएंगे तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा। कॉम्पिटेटिव तो पहले से था, बट इतना नीचे गिर जाएगा ना, मुझे नहीं पता था। इतना बड़ा हिपोक्रेट है यार तू। तूने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा तो वो चलेगा, मैंने छोड़ा तो इतना बड़ा बवाल। हाँ करता हूँ मैं कम्पीट, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना देन यू नीड टू नो कि तुम्हारे सामने कौन है और नीचे कौन, तभी तो पता चलेगा ना कि किसे नीचे गिराना और किसका सहारा लेकर ऊपर जाना है। और मुझे टॉप पे जाना है, राम कपूर बनना है। क्या होगा जब राम कपूर को ये सच उसके सामने आ जाएगा, और वो सच कौन लेके आ रहा है ये आपको मालूम तो हो ही गया प्रोमो देखने के बाद। वो सच लेके आएगा प्रिया की माँ और प्रिया की बहन, जो एक धमाल और प्रेस के सामने सब सच को बोल देंगे। कैसे? प्रिया की मंगेतर, जो प्रिया को 5 साल से मोहब्बत करते जा रहे हैं और उससे भी ज़्यादा से संपर्क उसके साथ है, ये मंगेतर सिर्फ पैसों के लिए, तरक्की के लिए, कॉरपोरेट लैडर को क्लाइंब करने के लिए प्रिया को छोड़ के चला गया। ये सच जब राम के पास आएगा, क्या राम इसको फेस वैल्यू में ही हजम कर लेंगे, या फिर राम कुछ ऐसे करेंगे जो एक ट्विस्ट लाएगा कहानी में? और ये ट्विस्ट के बारे में हम ज़रा बोलते हैं आपको। आप देख चुके हैं क्या वो ट्विस्ट ला रहा सकते हैं। पहले राम के माँ बहुत बहुत असंतुष्ट हैं राम के साथ, क्योंकि राम शादी करने के लिए तैयार नहीं है। मगर राम के पास है उसके गर्लफ्रेंड सुपर मॉडल जो राम के साथ काम करती है। ये सुपर मॉडल राम की माँ को भी आपने देखा है प्रोमो में कि ये सुपर मॉडल बोलते हैं राम के माँ को कि वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है अब, क्योंकि वो बहुत बिजी है उसके करियर के साथ। इसलिए राम के माँ होगा वो कैरेक्टर जो प्रिया की मंगेतर की ज़िंदगी में लेके आएगा एक बड़ा सी ट्विस्ट। बात करते हैं ज़रा वो ट्विस्ट के बारे में। सेकंड पॉइंट, आप सब देख चुके हैं कि राम भी लोनली फील करते हैं एक भीड़ में, और राम के माँ ने पहले एपिसोड्स में उसको बोल दिया है कि राम तुम ये जो भीड़ देख रहे हो ये भीड़ सिर्फ तुम्हारे सुख के साथ ही है, दुख के नहीं। कौन होगा वो दुख के साथी जो राम के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए आएगा? वही है ट्विस्ट।
और वो ट्विस्ट के लिए राम के माँ प्रिया को ऐसे कुछ घटनाओं में लेके जाएंगे जो राम को राम की भीड़ से अलग कर देंगे और राम को प्रिया के पास लेके आएंगे। मगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं क्या होगा प्रिया की मंगेतर को जो अलेखा को शादी नहीं कर सकते, क्योंकि अगले एपिसोड्स में आप देखेंगे कैसे अलेखा और प्रिया की मंगेतर का ब्रेकअप के बारे में बहुत सारे घटना आएंगे। कैसे होगा प्रिया की मंगेतर का विदाई, और ये रहेगा एक बड़ा ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट के लिए हम बात करते हैं प्रिया की माँ के बारे में, जो आप देख रहे हैं बहुत बोल्ड है। हम सबको माँ तो है ही, मगर कुछ माँ ऐसी होती हैं जो अबव एंड बियॉन्ड जाते हैं उसके लड़की के लिए, और जो लड़की अपमान होते हैं संपर्क में, कुछ माँ प्रिया की तरह होते हैं जो वो अपमान को सह नहीं सकते और उसके पर्दे फांस करने के लिए। आप देख चुके हैं प्रोमोज में कि प्रिया की माँ शोर मचाते हैं मीडिया के साथ राम के घर के सामने, और प्रिया की माँ ही होगा वो नेक्स्ट ट्विस्ट ले के आने का फोर्स जो प्रिया के मंगेतर को प्रिया की ज़िंदगी से धीरे धीरे निकाल देंगे। तो आप देख रहे हैं कौन है ये दोनों ट्विस्ट के दोनों पहरेदार, पहले राम कपूर के माँ और सेकेंडली प्रिया की माँ। ये दोनों माँ ही बड़े अच्छे लगते हैं सीजन 3 को आगे लेके जाएंगे। जैसे सीजन 2 में आप देख चुके हैं कैसे लखन कपूर, पीहू, प्राची, वो फैमिली कैसे एक साथ सीजन 2 को लेके गया था। सीजन 3 में प्रिया के माँ क्या ऐसी कुछ करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में जो होगा एक बड़ा स्टोरी चेंजर? नहीं, क्योंकि ट्विस्ट को प्रायोरिटी मिलेगा राम के माँ को पहले, और आप देखेंगे कैसे ये जो आप देख रहे हैं कंपटीशन में लगे हुए हैं प्रिया के मंगेतर। कंपटीशन में एक को छोड़ दो उसको ले लो, गरीब को छोड़ दो अमीर को ले लो, ये राम को पता चल जाएगा, मगर वो पहले इसको फेस वैल्यू में नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि राम के पर्सनालिटी हैं जो असेसमेंट करते हैं, डिटेल ओरिएंटेड हैं, और वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करेंगे। मगर उस समय में प्रिया जो है, जो मंगेतर के साथ ब्रेकअप हो चुके हैं, राम के माँ प्रिया को ऐसी कुछ घटनाएं में राम के साथ जुड़ देंगे जिसके दौरे राम को मिलेगा वो लोनलीनेस का फाइनल सॉल्यूशन, वो साथी जो उसके साथ होगा कंपटीशन के समय नहीं मगर दुख के समय। राम ऐसी एक आदमी है सीजन 3 में जो सेल्फ मेड है, उसके पास कोई पैसा नहीं था जब वो मुंबई में आए इंडिया ईट्स को बनाने के लिए। इस को बोलते हैं सेल्फ मेड आदमी, मगर प्रिया के मंगेतर चाहते हैं शॉर्टकट, चाहते हैं एक सीढ़ी जो उसको क्विकली उसके ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के लिए मदद करेगा। राम ऐसे नहीं है, और इसलिए राम और प्रिया के जो कॉम्बिनेशन है वो हम देखेंगे होगा ज़बरदस्त, क्योंकि प्रिया भी है एक आदमी, एक लड़की, जो वो जो आदमी मैंने बोला
उसके अंदर में जो आइडेंटिटी है, कौन है उसके लिए करेक्ट आदमी, वो है जो दुख के समय में और सुख के समय में उसके साथ रहेगा, जो कॉम्पिटिशन नहीं करता है, जो शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते हैं। और राम ऐसे ही आदमी हैं जो बिना शॉर्टकट्स के उसके पेशेंस और बहुत समय से लेके उसके बिजनेस को बनाया। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बोलूँगा कि ये कहानी अब ट्विस्ट टू के तरह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रिया की माँ लेके आएगा वो ट्विस्ट, जहाँ पे ये जो थीम है कंपटीशन, आगे चले जाओ शॉर्टकट लेके, मगर ये शॉर्टकट में दिल को तोड़ो, ये शॉर्टकट में सच नहीं बोलो, ये शॉर्टकट में बहुत गुनाह करो, ये जो इमोरालिटी है जो सीजन थ्री के हर एपिसोड्स में हम देख रहे हैं, इस मोरालिटी को पूरे कहानी से जुड़ने के लिए प्रिया की माँ होगा वो सेकंड ट्विस्ट ले के आने के फोर्स, जो फोर्स प्रिया को बार बार रिमाइंड करेंगे अगले एपिसोड्स में कि राम है वो आदमी जो प्रिया को समझ सकते हैं। और ये परफेक्टली नॉर्मल है कि आप एक के साथ हो आज, मगर एक समय के बाद वो आदमी आपके लिए ठीक नहीं है। ये सेकंड थीम, आज है ठीक मगर कल होगा अठीक, कल होगा गलत, आज की ठीक कल का गलत, ये थीम भी हम सब एपिसोड्स में देख चुके हैं। और अगले एपिसोड्स में आप देखेंगे कैसे प्रिया की मंगेतर का मास्क फाइनली उतारने शुरू हो जाएंगे। और जो विलेन रोल मिली है प्रिया की मंगेतर को, ये विलेन पूरे कहानी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्टोरी अगर आप सोचिए आपके ज़िंदगी के साथ somehow relevant है। अगर आपके साथ ये हुआ था कि आपको किसी ने छोड़ के चला गया था क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था, या आपके करियर एंट्री लेवल में था, ये भी हो सकती है कि आप किसी को जानते हैं, आपके दोस्त, आपके परिवार के सदस्य जो यही कारण में यही immorality फेस कर रहे हैं, जहाँ पे उसके चाहने वाले चाहते थे मगर पैसे के लिए छोड़ के चला गया और किसी और के साथ शादी कर ली। ये थीम अगर आपके साथ डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, तो आपके दोस्तों के साथ या आपका किसी और परिवार के सदस्य के साथ रेलेवेंट है। और इसलिए सीजन थ्री के मेन थीम है यही इमोरालिटी, और ये इमोरालिटी हम देखेंगे अगले एपिसोड्स में, जहाँ पे प्रिया के मंगेतर को फाइनली मिलेगा एक पंच, और वो पंच के लिए हम देखेंगे क्या होते हैं अगले एपिसोड्स में।